मी संत श्री मयेजी महाराजांना अशी विनंती करतो धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने की त्यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप करावा. परायण हो गए हैं तो हमने केवल छोटा सा विषय अपने हृदय में लिया कि हमें प्रवृत्ति करना चाहिए क्योंकि जो ज्ञान हमारे अंदर समाविष्ट हुआ है वो संसार के बीच में जाए. तो किसी को भी बनाया हो, अरुण पवार जी को, राजवर्धन जी को, विजू दादा को, किसी को भी निमित्त बनाया हो, लेकिन इनके माध्यम से आप सभी को हमारे बीच में उपस्थित किया. श्री नारायण भक्ति पंथ मूल में नारायण की भक्ति का प्रतिपादन करता है और श्री नारायण भक्ति पंथ का प्रवर्तन हमारे जो परम श्रद्धेय गुरुदेव हैं ब्रह्मस्वरूप संत श्री लोकेशानंद जी महाराज, उन्होंने इस पंथ का प्रवर्तन किया है. श्री नारायण भक्ति पंथ मूल में जिन बातों को कहता है उन सभी बातों को हम आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले श्री नारायण भक्ति पंथ कहता है आत्मनि मोक्षार्थ जगत हिताय च. श्री नारायण भक्ति पंथ का जो लोगो है जिसमें यह बात बड़ी ही सरलता से और स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य को सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए और जब मनुष्य अपनी स्वयं की आत्मा का कल्याण कर लेता है तो ईश्वर उस साधक के द्वारा संसार का कल्याण करता है. इसीलिए पंथ कहता है आत्मनि मोक्षार्थ जगत हिताय च. पहले आप अपनी आत्मा का कल्याण करें फिर जगत के हित के लिए जो है आप संसार के बीच में हैं. अब यह जो बातें हैं यह सिद्ध कैसे होती है? यह सत्संग रूपी एक मात्र ऐसी व्यवस्था है इस समग्र संसार में जिसके माध्यम से आप इन दोनों बातों को साध सकते हैं. प्रायः हम संसार में संतों के श्रीमुख से जो बातें श्रवण करते हैं वह यह है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य का अगर परम चरम लक्ष्य कोई है तो वो केवल ईश्वर प्राप्ति है. ईश्वर को प्राप्त करना, परमात्मा में आत्मा को विलय करना, यही परम चरम लक्ष्य है मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद. तो यह बात जो है सिद्ध कैसे होती है, ये बात प्राप्त कैसे हो, ऐसे कौन से वह तीन यक्ष प्रश्न है जिनके माध्यम से जीव ब्रह्म बने, आत्मा परमात्मा में विलय हो, तो उसमें तीन मूल बातें हमारे गुरुदेव बताते हैं. जीव, जगत और जगदीश्वर, अगर इन तीन का भेद मनुष्य ने समझ लिया तो आप मानिए कि जीव ब्रह्म हो गया. तो श्री नारायण भक्ति पंथ इन तीन मूल बातों को समझाने का प्रयास करता है सत्संग के माध्यम से और हमारे परम श्रद्धेय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी सत्संग के माध्यम से इन सभी बातों को बड़ा ही सरलता से, सुलभता से जो है मनुष्य के बीच में रखते हैं. तो अभी यहाँ 18 से 21 फरवरी श्री नारायण भक्ति से प्रतिपादित दिव्य भक्ति सत्संग का आयोजन हो रहा है जिसके संरक्षक श्री बाबा सो राजवर्धन जी कदम मांडे हैं, श्री चंद्रकांत जी केले काका हैं, श्री संदीप जी बेड़से हैं, आदि आदि ऐसे टोटल 9 संरक्षक हैं इसमें जो मुख्य रूप से इस पूरे कार्यक्रम का नियोजन कर रहे हैं. इसमें एक विशेष आयोजन और साथ में होने जा रहा है, वो इस दुनिया में सबसे पहली बार हो रहा है, वह है श्री नारायण भगवान का यहाँ पर आगमन और उनका सर्व कल्याण महापूजा करना. भगवान श्री नारायण की सर्व कल्याण महापूजा का अर्थ यह होता है कि भगवान श्री नारायण की सर्व कल्याण महापूजा में चीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी की सेवा पूजा हो जाती है. क्योंकि सृष्टि के आदि में जब भगवान निराकार स्वरूप में थे तो उन्होंने जो सर्वप्रथम साकार रूप जो धारण किया था वो शेष की शैया पर योग निंद्रा में कारण जल में शयन करते हुए शेषाई नारायण भगवान का स्वरूप था. फिर उन्होंने एक से अनेक होने का संकल्प लिया, अपने नाभि कमल से उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और फिर ब्रह्मा जी के प्रकृति के मध्य से रुद्र की उत्पत्ति हुई. फिर उसके बाद जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर के सृष्टि का विस्तार किया. तो हम प्रायः यही देखते हैं इसमें कि अगर इस